सहकार विभाग हमेशा ही अपने ही भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से सुर्खियों में रहता है और उसके गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट अधिकारी कभी न कभी एंटी करप्शन ब्यूरो की चपेट में आते रहते हैं। सच्चाई यह भी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पैसे कमाने का तरीका किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लेते हैं। हमने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताया कि सहकार विभाग के ये भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से बिचौलियों के माध्यम से अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। मसला मुंबई के दादर स्थित जिला उप निबंधक कार्यालय का है, जहां का असिस्टेंट रजिस्ट्रार विजय गवली हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की चपेट में आ गया और फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। मौजूदा कानून की माने तो जिला उप निबंधक ही डीम्ड कन्वेंस जैसे मुद्दों की सुनवाई करता है और उससे संबंधित सुनवाई की नोटिस और ऑर्डर पास करता है, लेकिन विजय गवली ने एक सहकारी संस्था से सुनवाई के नोटिस इशू करने के नाम पर उससे 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और संस्था ने भी बड़ी चतुराई से उसको एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे रंगे हाथों चढ़वा दिया। माना जाता है कि विजय गवली का ट्रांसफर पालघर में हो गया था, लेकिन अपने पैसों के भूख को शांत करने के इरादे से जाते जाते उस संस्था से वसूली करनी चाहिए। इसके पहले भी राज्य में डिम कन्वेंस के नाम पर पैसे उगाही करने वाले बहुत से अधिकारी खुले आम रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा पकड़े गए हैं। सच्चाई ये भी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बाद में मंत्रालय में बैठे कुछ उच्च अधिकारियों को बड़ी रकम पेश कर जांच को लंबित कर देते हैं। अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आज का समाज चोरे हिंद की खिताब से नवाजता है तो शायद इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि देश के अंदर बैठे ये वो गद्दार है जो समाज का भरोसा उसके ही अधिकारियों के ऊपर से उठा देते हैं और मौजूदा हालात में हर व्यक्ति को हर एक अधिकारी रिश्वतखोर और भ्रष्ट ही नजर आता है।